सुबह के 9:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह उठ के मैंने बेड शीट चेंज किया है, झाड़ू वगैरह लगा करके, और नहाई हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो बच्चे आ गए हैं, आज 8 बजे से क्लास था, मैं 6 बजे ही उठ गई थी, तो इसलिए मेरा सारा काम सफाई का आज ख़त्म हो गया था। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं ना गोश्त गर्म कर रही हूँ। संडे को मैंने ब्लॉग नहीं किया था फ्रेंड्स, और उस दिन मैंने बनाया था पम्पकिन गोश्त, तो वही थोड़े से बचे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोची नहीं इसको गर्म करके ना इसमें ये वाले वाल में ना निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर आज बनाऊँगी भिंडी की भाजी और दाल और चावल। ये गर्म हो ही गया फ्रेंड्स, अब इसको निकाल लेती हूँ। भिंडी को ना हमने अच्छे से धुल करके और इसको बिल्कुल फैन में रख के ड्राई करके उसका कट कर लिया है, तो ये एकदम ड्राई भिंडी है। और यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, और इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा जीरे का तड़का, अच्छे से चटक जाए फ्रेंड्स। तो एक प्याज और 3 ड्राई चिली हमने ले लिया है, और प्याज को हमने चॉप कर लिया है। अब इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें, तो इसका थोड़ा सा ना कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ कलर चेंज होने तक ही ऑनियन को फ्राई करना था। इसका कलर चेंज हो गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ भिंडी, भिंडी में मैं अभी सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी फ्रेंड्स, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाता है। अभी इसको मैं 50% के तक करीब भिंडी को पकने लूँगी, उसके बाद जा करके इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़े से कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। इस पर ढक्कन भी नहीं रखना मुझे, ऐसे खुला करके पकाना है इसे। मैं डाल दे रही हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर, ज़रा सा धनिया पाउडर, बस। बारिश भी होने जैसा लग रहा है, बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो शाम को भी नाश्ता दूं और ख़ुद भी करूं, क्योंकि लंच वगैरह हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। अब सुकून से बैठ करके नाश्ता करूंगी, और ये वही गांव का आया हुआ तोहफा है, जो कि है खास्ता नमकीन, जो गांव में घर में बनता है वही। ये है खाजा, जो मुझे पसंद नहीं है बट शाम खा लेते हैं, तो उनको मैं दे रही हूँ। आज का ब्रेकफास्ट हम लोगों का यही रहेगा फ्रेंड्स। दिन के बज रहे हैं 1:30 फ्रेंड्स, और मैं उस टाइम से ब्लॉग नहीं की थी। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं फ़ोन चार्ज नहीं था, फ़ोन को चार्ज पे लगा के जस्ट ऐसी पीलो रख करके सुबह पे सोची थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा रिलैक्स करूं, तो बस थोड़ी सी आँख लगने जैसी हो गई थी। हालांकि पूरा गहरी नींद में नहीं गई थी, एक होता ना आपको लेजीपन सा आ जाता, फिर मन करता चुपचाप आँख बंद करके लेटी रहे, उसी चक्कर में करते करते फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया। और मैं उठी हूँ कब, पड़ोस की जो है मामी, उन्हीं के यहाँ से ना मसाला पीसने के लिए उनका मिक्सर मशीन ख़राब हो गया, तो मसाले के लिए जो है ना गेट नॉक की, तब जा करके मैं उठी हूँ, गेट खोली हूँ, और फिर शैम भी सो करके फिर उनको उठाई हूँ। अब जा रही हूँ फ्रेंड्स, लंच वगैरह हम लोग करेंगे, और वही जो दिन में आपको दिखाया वही है लंच में, सिर्फ चिप्स जो है ना गांव से एक चीज़ और आया था, मैं भूल गई थी बताना फ्रेंड्स, मिठाई और चिप्स। तो मिठाई तो कल शाम में ही शैम भी खाया था, और मैंने भी खाया था, 1-2 पीस बचा हुआ है। चिप्स जो है आलू का, वो अब जा रही हूँ फ्राई करने, कल नाइट में भी हमने फ्राई किया था, तो जा रही हूँ फ्राई करने, और मैं भी लंच करूँगी, शैम को भी दूँगी, क्योंकि 1:30 बज गया, तो फिर बच्चे आने में फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन मुझे एक बात करनी थी फ्रेंड्स आप लोगों से, वो ये 1 तारीख से पहले के ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं जो है ना अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से शुरू करूँगी 1 तारीख से, लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत कुछ खास सही नहीं थी, कफ कोल्ड कंटिन्यू मुझे प्रॉब्लम कर ही रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं रिकवर कर जाऊँगी अच्छे से।
तो हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि मैं तबीयत को अपने देखते हुए मैं छोड़ दी नहीं की, लेकिन अब जो है फ्रेंड्स मेरी तबीयत जो है सो पहले से थोड़ी ठीक भी लग रही है और मुझे करना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी जो दवाई वगैरह चली उससे मेरा वेट जो मैंने अपडेट दिया था बकरीद के बाद के ब्लॉग में कि 2-2.5 kg बढ़ गया, अभी उससे ज़्यादा मुझे चेक तो मैंने नहीं किया है लेकिन हेवी भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेरा पुट ऑन हो रहा है और तो यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। सो मैं सोची कि फिर अब आज 8 तारीख है तो 8 तारीख छोड़ दे रही हूँ, अब ये पूरा जो है ना 10 तारीख ख़त्म हो जाए, मैं 10 तारीख से शुरू कर दूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट, यानी इस महीने का मेरा 20 दिन ही होगा, मतलब इस पूरे महीने में 20 दिन मेरा कम्प्लीट होगा अगर 10 तारीख से शुरू करूँगी। सो इसीलिए मैं ना अभी वेट लॉस स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मतलब वेट लॉस स्टार्ट किया फ्रेंड्स कि वही थोड़ा डाइट वगैरह को थोड़ा सा ठीक करूँगी। इस बार सोची हूँ फ्रेंड्स कि मौसम बहुत ख़राब है कल, जैसे ऐसे आज भी देखिए फ्रेंड्स गर्मी भी है और रह करके मौसम ऐसे थोड़ा सा क्लाउडी होकर के 2-4 बूंद बारिश भी हो जा रही है, तो वही जो है ना नुकसानदेह कर रहा है। मतलब ट्यूशन में भी ऐसा है फ्रेंड्स कि छोटे बच्चे खास करके जो भी है बहुत सारा बच्चा जो है ना ट्यूशन उसका छूट ही रहा है, जब भी फ़ोन करती किसी के पेरेंट्स को तो क्या भाई सर्दी खांसी बुखार सर्दी खांसी बुखार, तो अभी ये यहाँ बहुत चला हुआ वायरल टाइप का, तो यही सब है फ्रेंड्स। तो बस मैं सोची कि आप लोगों को ये अपडेट दे दूँ, हालांकि आप लोगों ने मना किया था कि वेट लॉस नहीं शुरू करने के लिए, लेकिन मेरा क्या है ना फ्रेंड्स कि कम से कम मैं बीच बीच में अपना वेट लॉस शुरू करती हूँ और भले ही जितना भी करती हूँ तो मेरा जो 70, 71, 72, 73 लास्ट उससे ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी ना तो मेरी 100 तक की भी मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे थायराइड है और मेरा इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक है जिसकी वजह से जो है ना मैं कुछ भी थोड़ा भी खा पी लूँ तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा फास्ट गेन होता है, तो इसलिए अगर बीच बीच में जो मैं अपनी डाइट को थोड़ा ठीक करती हूँ तो उससे मुझे एक फ़ायदा ये मिलता है फ्रेंड्स कि कम से कम उसको मैं बैलेंस करती रहती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा वेट गिरा हो जाएगा। सो यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो बस यही बताना था आपको। हाँ, एक कमेंट आया था कल के ब्लॉग में ना परसों के ब्लॉग में, 2 दिन पहले के ब्लॉग में शायद, या एक दिन पहले के ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया था कि दी आप देखने में काफ़ी वीक लग रही हैं, तो जी हाँ मेरा वेट तो पुट ऑन हो गया, लेकिन जैसे मैं डाइट के दौरान जो मैं जितना मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ या मेरा थोड़ा सा वेट कम होता है जितना अच्छा फील करती हूँ वैसा अभी भी फील नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैं कल तक ठीक थी, कल भी हालांकि बारिश हुई है फिर भी मैं ठीक थी, अभी सुबह से जैसे मौसम ख़राब हुआ ये हवा चलती है, अब उसकी वजह से फ्रेंड्स अब मैं क्या सांस तो इसी हवा में लूँगी ना, अब मुझे क्या हो रहा है ना कि फिर से इसके अंदर हलक में यहाँ पर वो जो टॉन्सिल वाला इन्फेक्शन मुझे शुरू होता है और जिसकी वजह से मुझे फिर कफ कोल्ड सारी चीज़ें मतलब इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर ना यहाँ पे ना ऐसे इचिंग इचिंग सा हो रहा है और पेन पेन सा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले लंच वगैरह कर लूँ और शाम में चाय वगैरह जिंजर टी वगैरह बना के पीऊँगी और नाइट में सोने से पहले फिर से पानी में सॉल्ट डाल करके उसे बॉयल करके थोड़ा गालगल टाइप का कर लूँगी, गलाला कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कॉमेंट में भी कहा था कि आप सॉल्ट डाल करके जो है ना नमक भी उससे भी गलाला करें तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, तो वो भी करूँगी। और जो तबीयत मेरी ख़राब थी उस टाइम में जो कफ कोल्ड ज़्यादा ज़्यादा रखा था, तो वो जो छोटा वाला जो ये आया था क्या उसको बोला जाता मुझे पता नहीं, भी टाइप की जो गोली जो पानी में डाल करके उसका स्टीम लिया जाता वो भी एक पीस बचा है, अगर मैं देखूँगी कि शाम तक मुझे ये ज़्यादा प्रॉब्लम किया तो नाइट में मैं क्या कम करूँगी ना फ्रेंड्स उसका भी स्टीम ले लूँगी, क्योंकि उसका स्टीम लेने से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ये जो नोज से जो उसका स्टीम जाता है पूरा अंदर तक लेती तो यहाँ तक पूरा रिलीव कर देता है वो चीज़ें, और मेरा फेस देख करके लग ही रहा होगा फ्रेंड्स कितना ज़्यादा फेस आपको ब्लोटेड दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है अंदर से। और मेरे साथ एक चीज़ और होने लगी है, मैं हाँफ बहुत रही हूँ, जैसे अगर नॉर्मल बातचीत भी कर रही हूँ थोड़ा काम कर रही हूँ तो मैं हाँफ रही हूँ, इससे पहले आप देखते थे कि नॉर्मल मैं ऐसी मतलब ऐसा नहीं फील कर रही थी, लेकिन अभी इन दिनों हो रहा है जब से मुझे ऐसा हुआ शायद वीकनेस की वजह से जो भी पता नहीं क्या रीज़न है मैं हाँफ बहुत ज़्यादा रही, जैसे अभी इतनी से मतलब इतना ही बात की ना तो इसमें भी मेरी सांस फूलना शुरू हो जाती है, और जब सांस फूलती है मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लगती है, अच्छा फील बिल्कुल नहीं होता, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी फ्रेंड्स। तो जा रही हूँ चिप्स फ्राई करने, आलू वाले चिप्स है फ्रेंड्स, घर के ही आलू है, वहाँ तो गाँव में आलू भी होता है ना खेती में, इतना सारा चिप्स हमने फ्राई कर लिया है, अब अपना लंच निकालती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अब डायरेक्ट शाम में।
शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुरमुरा। और इसमें ना ये रोस्ट ड्राई रोस्ट किए हुए चने और पीनट जो मैं रखती हूँ उसको मिला करके और बनाऊँगी। तो मुरी का ना पैकेट ख़त्म था, ऐसे तो मैं हमेशा घर में रखती हूँ क्योंकि शैम खाते हैं कभी कभी, मतलब इसमें ऐसे नहीं वो खाते हैं जैसे यही पीनट वगैरह सब डाल करके और धनिया पत्ती ग्रीन चिली ऑनियन वगैरह सारी चीज़ें डाल करके नींबू वगैरह, तो ये ना अच्छा खासा चटपटा सा बनता है, खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। तो पीनट ना जो मैंने लाया था रोस्ट किया था दिखाया था आपको, तो ये सब घर में रखने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि शाम में भी अगर कुछ आपको चटपटा सा कुछ खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑनियन चॉप कर लिया, थोड़ा एक दो पीस ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ती, ये सब को चॉप करने के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं डालूँगी हल्का सा लेमन जूस, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी फिर से जो है ना ये ब्लैक सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, ब्लैक सॉल्ट से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा जीरा गोल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा रेड ड्राई चिली पाउडर और ऊपर से हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके बस मैं हाफ़ से ज़्यादा शैम को दे दूँगी बाउल में करके, और थोड़ा मैं ले लूँगी और उसके साथ फिर चाय कॉफ़ी जो भी देख रही हूँ, या तो मन करेगा तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं तो मिल्क वाली चाय, देखती हूँ जो मन करेगा वही बनाऊँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।